हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ लक्ष्मी रानी एंड इस वीडियो में मैं एडिटोरियल अर्धवास की 2021 की जो न्यू बुक आई है उस बुक से ब्रांड एम्बेसडर बताने वाली हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम विश्व 2021 में नियुक्त प्रमुख कंपनी या संस्थान के ब्रांड एम्बेसडर देखेंगे जो जनवरी 2021 से जून 2021 तक नियुक्त किए गए थे। तो पहले हम देखेंगे अक्षय कुमार जी को। तो अक्षय कुमार को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है बायोटेक्नोलॉजी फर्म माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस के। जसप्रीत बुमराह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वन प्लस स्मार्टफोन। युवराज सिंह को पूमा मोटर स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। विराट कोहली वीवो के और डिजिटल इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। सोनू सूद पंजाब के कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। पृथ्वी सौ स्पोर्ट्स एक्सचेंज के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। सुरेश रैना एलिस्टा इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। आयुष्मान खुराना टेक्नो स्मार्टफोन के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। वाशिंगटन सुंदर और देवदत्त पर्डिकल पूमा स्पोर्ट्स ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। एक कन्फ्यूज़न हो सकता है यहाँ पर कि युवराज सिंह पूमा मोटर स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं और वाशिंगटन सुंदर और देवदत्त पर्डिकल पूमा स्पोर्ट्स ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। रविंद्र जडेजा स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड एसिक्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। दीपिका पादुकोण लेविस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। रोहित शर्मा कैंडिड पाउडर ग्लैनमार्क फार्मा के उत्पादन के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अजिंक्य रहाणे न्यू ग्रोथ क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। करीना कपूर क्रिस्टा IVF के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर है। एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन डेफिनेटली रहेगा इससे, दरोगा हो SSC हो कोई भी एग्ज़ाम हो, तो प्लीज़ आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। सो कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल एंड कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल। थैंक यू।